नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और वक्त हो गया है देश दिन भर का, जिसमें हम आपको दिन भर की 10 बड़ी खबरें बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नेताओं और सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में चली चौथे दौर की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। करीब 8 घंटे की बातचीत में किसान के मुद्दे पर कृषि मंत्री ने जवाब दिया। कृषि मंत्री ने किसानों की चिंता को जायज ठहराया। अब 5 दिसंबर को अगली बैठक होगी। कृषि कानूनों पर सरकार और किसान नेताओं के चौथे दौर की बातचीत को 3 घंटे से ज्यादा का समय होने के बाद लंच ब्रेक हुआ। इस दौरान सरकार ने किसान नेताओं को खाना ऑफर किया, लेकिन किसान नेताओं ने सरकार का खाना खाने से ही साफ इनकार कर दिया और अपना खाना मंगवा कर खाया। इस दौरान किसान अपना खाना आपस में बांट कर खाते हुए नजर आए। कृषि कानून के खिलाफ अवार्ड वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया है। उनके अलावा अकाली दल के नेता रहे सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी अपना पद्म भूषण सम्मान लौटाने की बात कही। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों में यात्री की क्षमता बढ़ाकर 80% करने का ऐलान किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 25 मई को 30,000 यात्रियों के साथ घरेलू उड़ानें शुरू की गईं, जो अब बढ़कर 2,52,000 के पार पहुंच गया है। सरकार अब घरेलू उड़ानों के लिए 80% यात्री क्षमता की अनुमति दे रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद को लेकर एक बार फिर बयान दिया। शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर किसी ने लव जिहाद जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगी। एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। उन्होंने माता चनन देवी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। 98 वर्षीय महाशय धर्मपाल बीमारी के चलते पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। महाशय धर्मपाल के निधन पर कई दिग्गज नेताओं ने भी दुख जाहिर किया। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि भारत में कोरोना वैक्सीन अपने अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत में या अगले महीने की शुरुआत तक हमें कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी वैक्सीनेशन की इजाजत मिल जाए। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 95,00,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 35,551 नए संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं 526 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं बीते 24 घंटे में 40,726 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक को नोटिस जारी करते हुए उसके डिजिटल कामकाज पर रोक लगा दी है। इसके अलावा RBI ने बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी न करने और प्रस्तावित IT एप्लीकेशन पर भी रोक लगाने को कहा है। RBI ने बैंक को ये नोटिस पिछले 2 वर्षों से इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट यूटिलिटी सर्विसेज में आ रही दिक्कतों को लेकर जारी किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने किसान विरोध में एक बुजुर्ग महिला पर अपने बयान पर फिर से विवाद खड़ा कर दिया। सिंगर दिलजीत दोसांझ ने सिख महिला महिंदर कौर का एक वीडियो शेयर करते हुए पंजाबी भाषा में ट्वीट कर कंगना पर निशाना साधा, जिसके बाद कंगना ने दिलजीत के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए दिलजीत को करण जौहर का पालतू कहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।